दोस्तों, हिंदी सिनेमा जगत में अपनी कॉमेडी से लाखों करोड़ों लोगों का दिल जीतने वाले कादर खान बॉलीवुड की फिल्मों के एक ऐसे हीरो थे जिनकी अदाकारी की एक लंबी लिस्ट है। कादर खान ने न केवल फिल्मों में एक्टिंग की बल्कि कई दिग्गज अभिनेताओं के डायलॉग्स भी लिखे। ये उन एक्टर्स में से रहे हैं जो एक रोते हुए इंसान को भी हंसा दिया करते थे। वेल दोस्तों, आप दिवंगत अभिनेता कादर खान के बारे में सब कुछ जानते होंगे, लेकिन आज हम आपको इनके बच्चों के बारे में बताने वाले हैं, जहां आप जानेंगे कि इनके बच्चे कौन हैं, क्या करते हैं और कैसे दिखते हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं इन दिलचस्प सवालों के जवाब, बने रहें हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, अपने शानदार अभिनय से दर्शकों के दिलों में एक अलग छाप छोड़ने वाले कादर खान का जन्म 22 अक्टूबर साल 1937 को अफगानिस्तान में हुआ था। इन्होंने मुंबई के इस्माइल यूसुफ विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी। कादर खान ने साल 1973 में आई फिल्म दाग में अभिनय करते हुए अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की। इस फिल्म में कादर खान एक वकील की भूमिका में थे। कादर खान ने करीब 300 फिल्मों में काम किया। इसके साथ ही हिंदी और उर्दू में करीब 200 फिल्मों के डायलॉग्स लिखे। यहाँ तक कि राजेश खन्ना और मुमताज की फिल्म 1974 में आई रोटी के लिए कादर खान ने ही डायलॉग्स लिखे थे। फिल्मों के अलावा कादर खान ने टीवी इंडस्ट्री में भी अपना हाथ आजमाया। कादर खान एक कॉमेडी शो लेकर आए थे जिसका नाम था हंसना मत। अमिताभ बच्चन की फिल्मों के अलावा कादर खान ने हिम्मत वाला, कुली नंबर वन, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, खून भरी मांग, कर्मा, सरफरोश और धर्मवीर जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। इन्हें आखिरी बार साल 2015 में आई फिल्म दिमाग का दही में देखा गया था। हालांकि कादर खान अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन इनकी यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। बात की जाए इनके बच्चों के बारे में तो कादर खान ने अजरा खान से शादी की थी। उनके तीन बेटे कुद्दूस खान, सरफराज खान और शाहनवाज खान हैं। कादर खान के सबसे बड़े बेटे कुद्दूस खान अब इस दुनिया में नहीं रहे। इनके बाकी दो बेटे सरफराज खान और शाहनवाज खान अभिनय करते हैं। सरफराज खान प्रोड्यूसर भी हैं। उन्होंने कई सफल फिल्मों में अभिनय किया है। सरफराज ने साल 2003 में आई सलमान खान की फिल्म तेरे नाम में और साल 2009 में आई फिल्म वांटेड में एक्टिंग की है। सरफराज के भाई शाहनवाज खान भी एक्टर हैं। साल 2012 में सरफराज ने अपने पिता और भाई के साथ मिलकर कल के कलाकार इंटरनेशनल थिएटर की स्थापना की। शाहनवाज ने मिलेंगे मिलेंगे और वादा फिल्मों में डायरेक्टर सतीश कौशिक को और राज कंवर को फिल्म हमको तुमसे प्यार है में असिस्ट भी किया है। इसके अलावा शाहनवाज खान ने कई फिल्मों में बतौर डायरेक्टर भी काम किया है। हालांकि इनके दोनों ही बेटों ने फिल्म इंडस्ट्री में कुछ खास सफलता हासिल नहीं की। बता दें कि इनके दोनों ही बेटे कनाडा में अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। तो दोस्तों, आप कादर खान के बेटों के बारे में क्या कहना चाहेंगे, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही फिल्मी जगत से जुड़ी ऐसी और दिलचस्प बातों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।